दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल ने अपनी डेवलपमेंट स्टेज को कंप्लीट कर लिया है और अब वो इंडक्शन के लिए तैयार है। इसके बाद अब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ड्राइंग बोर्ड के ऊपर वापस आ गई है। वो अब एक 5000 किलोमीटर रेंज वाली सबमरीन लॉन्च्ड प्लेटफॉर्म को डेवलप करना चाहते हैं जो कि अग्नि-5 मिसाइल को मैच कर सके। ये 5000 किलोमीटर रेंज वाली सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल भी के सीरीज का हिस्सा होगी। ये मिसाइल पूरे एशिया को और अफ्रीका के कुछ पार्ट्स को, यूरोप को और इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी को कवर कर पाएगी। अभी तक इस मिसाइल के बारे में डिटेल्स क्लासिफाइड हैं और इसके ऊपर DRDO भी चुप है। ऑफिशियल्स का कहना है कि 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 मिसाइल को एक हफ्ते में 2 बार टेस्ट करने के बाद ये वेपन अब पूरी तरह डेवलप्ड है और इसने अपने पूरे पैरामीटर्स को मीट कर लिया है और इसे अब INS अरिहंत क्लास ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन्स के ऊपर इंडक्ट कर दिया जाएगा। K4 एक सॉलिड फ्यूल्ड 3 मीटर लंबी मिसाइल है जिसकी एक्यूरेसी 100 मीटर्स के अंदर है और ये 1 टन से ज़्यादा भारी न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकती है। इस मिसाइल के सभी टेस्ट अंडरवाटर पॉन्टून से किए गए थे। अभी इंडिया की INS अरिहंत B-05 न्यूक्लियर मिसाइल को कैरी करती है जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है। अभी DRDO एक 5000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप करना चाहती है। इस मिसाइल के डेवलप हो जाने के बाद इंडिया भी US, रशिया और चाइना जैसे देशों के एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा। ऑफिशियल्स के मुताबिक ये मिसाइल अग्नि-5 की रेंज को और उसकी पोटेंट डिस्ट्रक्शन कैपेसिटी को मैच करेगी। उनका कहना है कि इंडिया के अभी 5000 किलोमीटर से लंबी रेंज वाली मिसाइल को डेवलप करने के कोई भी प्लान्स नहीं हैं और वो ये मिसाइल्स इसलिए डेवलप कर रहे हैं ताकि वो इन मिसाइल को अपने दुश्मनों के अगेंस्ट एक डेटरेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सके। एक सीनियर ऑफिशियल का कहना है कि हमारे पास एक लंबी रेंज की न्यूक्लियर मिसाइल डेवलप करने की कैपेसिटी है लेकिन इसके बारे में फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट के पास है। इंडिया एक अग्नि-6 मिसाइल भी डेवलप कर रहा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा होगी और ये एक MIRV कैपेबल मिसाइल होगी। तो अगर वो मिसाइल भी डेवलप होती है तो उम्मीद है कि उसका एक सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट भी डेवलप किया जाएगा। तो ऐसा कहना सही होगा कि के सीरीज में एक अगली मिसाइल K-6 मिसाइल भी हो सकती है जिसकी रेंज अग्नि-6 जैसी ही होगी। कुछ लोगों का मानना है कि अग्नि-5 की रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है। उनका कहना था कि इसकी रेंज 8500 किलोमीटर तक है और इंडिया सिर्फ इसकी रेंज इसलिए कम बता रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके ऊपर एतराज़ ना जताए। तो ऐसा हो सकता है कि K-5 मिसाइल की रेंज भी 8000 किलोमीटर तक हो और इसकी रेंज को इंडिया इसलिए कम बता रहा हो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके ऊपर एतराज़ ना करे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।